दोस्तों मैं अजय परमार आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को देखने के बाद लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आपने ये वीडियो शेयर भी करनी है, शेयर पे क्लिक करें और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब करना है आपने और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें मेरी नोटिफिकेशन वीडियोज के लेने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी जो मैं आपको फटाफट से इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो डैशबोर्ड्स में बड़ी यूजफुल है और मैं आपको दिखाता हूँ। एक डैशबोर्ड पे मैं काम कर रहा था, मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा पहले दिखाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक सेव बटन है, जब ये इंफॉर्मेशन मैं सेव करना चाहूँ इस एक्सेल की और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन आप इसमें देखें कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली वो एडिट मोड में चला जाता है, मतलब कि डिटेल हमारी सेव हो चुकी है। अब आप दोबारा से किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा अगर एडिट पे क्लिक करता हूं तो एडिट पे क्लिक करते ही स्क्रीन रेड हो जाती है और यहां पे मुझे जो भी चीज एडिट करनी है राइट मैं उसको जैसे ही दोबारा से सेव करूंगा तो क्या होगा वो इंफॉर्मेशन बैकएंड में कहीं भी जाके सेव हो जाएगी। तो ये किस तरीके से हमने बटन बनाया है इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा काफी जो लोग बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं वो ये अपने डैशबोर्ड्स में इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स डालते हैं। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ एक इवेंट लगाना है लेकिन ये देखने में बहुत शानदार लगता है। तो आइए जरा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो पूरा सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, बहुत लंबी सीरीज हमने ये शुरू की थी और ये इवेंट्स की सीरीज है स्पेशली। सबसे पहले आप अपना बटन क्रिएट करें, तो मैं यहाँ पे अपना बटन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा बटन है, इंसर्ट में शेप्स में जाके और एक और शेप आपको इंसर्ट करनी है, मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ तो मेरे पास दो बटन हो गए। ठीक है, कोशिश करें दोनों का साइज सेम हो तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। यहाँ पे जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, जब आप यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है, यहाँ पे जाके उस शेप का नाम आपको दिख जाएगा नेम बॉक्स में, तो यहाँ पे जाके आपको अपना नाम देना है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, वैसे आप इसको रेक्टेंगल वन भी छोड़ सकते हैं लेकिन मैं इसका कुछ नाम दूंगा और मैं इसका नाम जो दूंगा वो दूंगा शेप shp_ और उसके बाद मैं इसका नाम दूंगा सेव। फॉर एग्जाम्पल ये सेव का बटन मैं बनाने जा रहा हूँ, स्पेस ना दीजिएगा, स्पेस अलाउ नहीं होगा, आप या तो इकट्ठा लिखें या अंडरस्कोर लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर मारें, इसके बाद एंटर जरूर मारना है, एंटर मारने के बाद बाहर क्लिक करें, फिर दोबारा यहां पे आके क्लिक करके एक बार देख लें कि आपने जो नाम दिया है क्या वो यहां पे आ चुका है या नहीं आ चुका। अगर नहीं आया तो इसका मतलब शायद आप उसको ढंग से नहीं लिख पाए। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और इसका हम नाम दे देते हैं शेप एडिट। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया, एडिट दे दिया, एंटर मार देता हूं, एंटर मार दिया मैंने, बाहर क्लिक करके एक बार दोबारा क्लिक करके चेक कर लेते हैं, आपको नाम यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कलर अगर डिफरेंट डिफरेंट करने हैं आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एडिट का रेड बटन बनाना है या जो भी आपको करना है। मेरे हिसाब से मैं जो सेव का बटन है वो ग्रीन कर देता हूं, यहाँ पे जाके इसे लाइट ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके इसका नाम दे दें ताकि यूजर को पता हो कि हमें यहाँ पे करना क्या है। एडिट टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे लिख दें सेव। ठीक है, ये आपका सेव हो गया, उसके बाद यहाँ पे जाएं और राइट क्लिक करके इसको आप एडिट कर दें और इस पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एडिट। ठीक है, दो बटन तैयार हो गए, इसको सेंटर अलाइन फॉर्मेटिंग कलर वगैरह वो आपने करना है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आप इन बटन्स की यहाँ से शेप्स चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ से आपको शेप्स मिल जाएंगी। ये शेप इफेक्ट्स में जाके आप यहाँ से ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए। ठीक है, ये थोड़ा इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल अंडू कर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, प्रोग्राम बताऊंगा, आप इसको फॉर्मेटिंग करते रहिएगा। ओके, अब हमारे पास दो बटन्स तैयार हो गए हैं, इनको हम जहां भी आप इनको रखना चाहें रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं इनको यहां रख देता हूं। अब आपको इनको कहां शो करना है पूरे डैशबोर्ड में, ये बटन्स कहां शो आप करना चाहते हैं वहां का हम प्लान करेंगे। तो मान के चलते हैं कि मुझे ये जो सेव का बटन है, ये सेव का बटन और एडिट का बटन मुझे मान के चलते हैं यहाँ पे K2 में शो करना है। ठीक है, यहाँ पे K2 में। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, और सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है आपका एडिट ऑप्शन होगा। ठीक है, जब एडिट पे क्लिक होगा तो आप एडिट मोड पे चले जाएंगे और एडिट के बाद जब आप
एडिट क्लिक करते हैं तो ये एडिट जो है ये सेव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट नहीं होगा, बेसिकली एडिट जो है आपका वो यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह आपका सेव ले लेगा और यूजर को लगेगा जैसे एडिट को ही चेंज किया गया है सेव में, जबकि पीछे बैकग्राउंड में वो दो अलग अलग बटन्स काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए जरा फटाफट से इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे, एक नया मॉड्यूल मैं इंसर्ट करता हूं इस बुक वन में और ये मॉड्यूल आप इंसर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम लिखने के लिए मैं इसका एडिट लेट्स से हाइट एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, या एडिट एडिट नाम से ही एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, मैक्रो बना लेते हैं। काफी स्टूडेंट्स मोबाइल्स पे भी देखते हैं वीडियोस तो वो अक्सर मुझे बोलते हैं कि आप थोड़ा फॉन्ट बड़ा रखें, तो मैं फॉन्ट 11 कर देता हूँ, ठीक है गाइस। सो फाइनली चलें तैयार करते हैं, बहुत एक्साइटिंग है ये, इस पे अब हम अपना काम शुरू करते हैं, बहुत इजी है एक्चुअल में। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस बटन पे क्लिक होगा एक मैक्रो रन होगा और वो मैक्रो क्या करेगा ये समझ लें, वो मैक्रो जो है वो शेप उसको हम यहाँ से इनविजिबल कर देंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा शेप अंडरस्कोर एडिट है, अब इसको लिखना कैसे है ये आप समझें, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो ये बेसिकली मैंने अभी बटन्स क्रिएट किए हैं ये सारे आपके शेप्स के पार्ट होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे शेप्स में शेप एडिट को विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे, बस ये आपका एक सिंपल सा कोड है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्टिव शीट डॉट शेप्स, शेप्स का शेप्स आपका जो आपका कलेक्शन ऑब्जेक्ट है उसका ये आपका पार्ट है और आप इसका नाम लिखें शेप अंडरस्कोर एडिट, ठीक है, सिंपल। डबल कोट्स डालें, डबल कोट्स बिल्कुल डालना है, कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है कि एरर आ रहा है मेरा, ठीक है, चेक करें इसको, बिल्कुल ध्यान से लिखें, बहुत सिंपल लाइन है। विजिबल क्या करना है, इसको फॉल्स कर देना है। फॉल्स क्यों करना है, क्योंकि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेव में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप एडिट मोड पे चले जाएंगे, ऐसा आप विजुअल इफेक्ट जो है वो यूजर को, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप अपने यूजर को देने जा रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद ये विजिबल, अगर फॉल्स, अगर ये आपने इनविजिबल कर दिया तो इसी को कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप समझ ही चुके होंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा दूसरा बटन है सेव वाला, वो सेव आप यहाँ पे ट्रू कर देंगे, तो क्या होगा कि जो ट्रू वाला बटन है वो जो जो आपका ये बटन है वो विजिबल हो जाएगा और ये आपका जो है वो यहां से हट जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें काम करेंगे, आप इस पे एक मैक्रो बनाएंगे, मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाता हूं और असाइन मैक्रो में ये देखें, तो मैं यहां से इसको दिस वर्कबुक कर लेता हूं क्योंकि मुझे सारी और भी मेरे पास फाइल ओपन है उनका मैक्रो नहीं देखना है, तो ये मेरा मैक्रो है ये वाला एडिट, ठीक है, इसको ओके कर दें। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा देखें आप क्या होगा, मैंने इसको ओके किया, आपने देखा कि वो एडिट वाला जो ऑप्शन है वो जो बटन है वो यहां से इनविजिबल हो गया और सेव वाला आपको जो बटन है वो विजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि एक्चुअल में ये सेव जो है वो आपका यहाँ पे ही आना चाहिए था, तो आप इसको मैनुअली भी अलाइन ऐसे कर सकते हैं, दोनों को एक जगह इस तरीके से रख लें, ठीक है। अब जब आपने इसको यहां पे रख लिया, क्योंकि एडिट तो विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीट हो गया है, वो आपने सिर्फ इनविजिबल किया है लेकिन वो यहीं पे अवेलेबल है, आवाज मारोगे आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम सेव के लिए भी बना लेते हैं, अब तो कहानी पूरी आपको समझ आ गई होगी और मैं इसको फटाफट से एक और कॉपी करता हूं मैक्रो और इसको पेस्ट कर देता हूं दोनों लाइंस को और इनका जो विजिबल प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि ये मेरा सेव होगा, ठीक है, और सेव के साथ ये जो है आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि एडिट वाला वापस आ जाएगा और ये जो सेव वाला है वो आपका यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इस सेव पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, दोनों पे मैक्रोस असाइन कर दें, इस पे आप जो मैक्रो असाइन करेंगे वो सेव वाला करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो जब आपका पूरा डैशबोर्ड तैयार होगा तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देगा ये, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था अपना एक्सेल, ठीक है, अभी तो सिर्फ ब्लैंक एक्सेल है मेरा, तो आपने मतलब अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को यूज करना है, सेव एडिट तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं बट आप कुछ और भी कर सकते हैं। अब जरा मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, ये देखिए आपने देखा ये आपका, और पीछे ना येलो जो मैंने कलर दिया था वो पीछे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, उसको नो फिल कर देते हैं। ये लीजिए एडिट पे क्लिक करते हैं, सेव आ गया,
सेव पे क्लिक करते हैं तो एडिट आ गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप अपना पूरा प्रोग्राम चला सकते हैं। तो कितना इजी था, लेकिन कितना अच्छा इफेक्ट आपको दे रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जरूर इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छी कीजिएगा, जैसे फटाफट से हम देख लेते हैं, ये जैसे ये बटन, जैसे मैं ये वाला बटन चूज करता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया, बिल्कुल इसका कायाकल्प हो गया। नाउ ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, सेव आ गया। अब सेव पे भी मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक जब करना है ना तो राइट क्लिक करना है, नहीं तो क्या होगा कि आप अगर जैसे नॉर्मली हम क्लिक करते हैं, अगर आपने वो किया तो प्रॉब्लम ये होगी, वो मैक्रो रन होता रहेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जब भी आपने इस पे क्लिक करना है, मैक्रो असाइन करने के बाद अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं, इसको इनकी स्पेलिंग्स पे कुछ काम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट दूसरा या जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो प्लीज राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपका ये एडिट मोड में चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको भी ऊपर फॉर्मेट में जाके यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, और इसका भी मैं जो ये है यहाँ पे इसका जो ये लेवल, ये जो शेप है, ये मैं इसका यही वाला चूज करके रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी और बहुत चीजें हैं, आप उसमें ऊपर अपना चेक करते रहें, वो जो फॉर्मेट टूल आता है जब आप इन पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए ये एडिट हो गया, ये सेव हो गया, ये एडिट हो गया, ये सेव हो गया। इस तरीके से आप अपने बहुत अच्छे अच्छे वंडरफुल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही शानदार कमेंट्स देने के लिए। एक एक कमेंट मैं आपका पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको लाइक या फिर उस पर रिवर्ट तो एटलीस्ट जरूर करूँ, और इसी तरीके से चैनल को आप आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, और मुझे इससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और शानदार वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।